देखिए, एक वेक्टर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। इफ द थ्री वेक्टर्स ए बी सी रिप्रेजेंट थ्री कॉटर्मनाइज एजेस ऑफ अ पैरेललोपाइड, ठीक है, ए बी सी एक पैरेललोपाइड की एजेस है, ऐसा बोला है। ये एजेस है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसका वॉल्यूम को बी बोला जा रहा है, यानी ए बी सी को हम बी बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन में बोला है। अब बोला है देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस टू सी थ्री सी, यानी अब एक ऐसे पैरेललोपाइड का वॉल्यूम बताना जिसकी साइड ये हो। इसका मतलब आप जब वॉल्यूम निकालते हो तो वॉल्यूम में क्या होगा, ए ये हो गया, बी प्लस सी ये हो गया, ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी। इसको सॉल्व करने की बड़ी सिंपल सी एक ट्रिक होती है कि आप इसे ए को आई, बी को जे या सी को के मान लें, या सिंपल डिटरमिनेंट लिखते हैं। जैसे इसमें ए अकेला है तो ए वन जैसा काम करेगा, बी बी भी ऐसे वन जीरो 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 वन वन वन, ये टू और ये थ्री एंड ए बी सी, ए बी एंड सी ऐसा लिखा जाता है। और अगर आप आई जे के मान रहे हो तो यहां पर आई जे के जिसकी वैल्यू वन होती है। अब आपने इसको सॉल्व किया तो केवल ये वन के लिए होगा तो ये मिलेगा वन ए बी सी। अब ए बी सी पहले से डिफाइन किया गया बी, तो आंसर होगा इसका बी।